हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट के कुछ नोट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ अपने नोट्स को चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो अच्छे से आप इसे समझिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट वर्ड से आपको क्या पता चलता है कि आपके सराउंडिंग में जो वातावरण है, जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, आप जिस जगह भी रह रहे हो, आपके सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो भी वातावरण है, चाहे जैसा भी हो, वो हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ कहता है द टर्म एनवायरनमेंट मीन टू व्हाट दैट सराउंड। यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब बताता है कि जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है, हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारा क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट इज़ द नेचुरल कंपोनेंट इन विच बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ विथ ईच अदर। देखिए, सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि एनवायरनमेंट जो है, जो वातावरण है, वो हमारा एक प्राकृतिक कंपोनेंट है, नेचुरल पार्ट है। ठीक है, हमारा प्राकृतिक जो है हिस्सा है, जहाँ पे क्या होता है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? अब बायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो हमारे वातावरण के अंदर लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, वो बायोटिक कहलाती हैं। और जो चीज़ें हमारी नॉन लिविंग होती हैं, जिनके अंदर जान नहीं होता, जो जीवित नहीं होती बट हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, वो एबायोटिक कहलाती हैं। जस्ट मीन कि आप टेबल, कुर्सी, ठीक है, ज़मीन, ये सारी चीज़ें ले लो, ये सब एबायोटिक के अंदर आती हैं, ये सब एबायोटिक का पार्ट है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। और जो चीज़ें लिविंग थिंग होती हैं, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है? बायोटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जीवित होते हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो बायोटिक के अंदर आते हैं फैक्टर में, और जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे एबायोटिक के अंदर आती हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है एक नेचुरल पार्ट है, जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होता है, जो इंटरैक्ट करता है आपस में। ठीक है, इंट्रैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने में ही इंट्रैक्ट करता है, विथ ईच अदर, आपस में। कैसे? अभी इसके कहने का ये मतलब है कि वो आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो। कैसे इंट्रैक्ट करते हैं? अब जैसे बायोटिक क्या है? हमारा प्लांट्स एंड एनिमल है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट्स और एनिमल कैसे इंट्रैक्ट करते हैं? देखिए, प्लांट्स जो है, जानवर, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, और जो छोटे जानवर होते हैं उनको बड़े जानवर खाते हैं। तो आपस में क्या इंट्रैक्ट कर रहे हैं? प्लांट्स क्या है, जानवर को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको रहने के लिए छत प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिंदा रहने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि प्लांट्स और एनिमल दोनों आपस में क्या करते हैं? इंट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के ही सपोर्ट से अपने, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनके जीवन को सपोर्ट करते हैं, तो ही होता है। अब जो डेड एनिमल होता है, उसकी जो भी बॉडी पार्ट्स बचते हैं वो जाकर डिकम्पोज हो जाता है और एक तरह से फर्टिलाइज़र का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब ये साइकिल है। ठीक है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इंट्रैक्ट करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर नेचुरल लाइफ प्रोसेस। यहाँ कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। किस पे? हमारी वातावरण पे। ऑब्वियसली बात है, आप हो, चाहे कोई जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर एनवायरनमेंट में नहीं रहेगी तो वो क्या रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब पेड़ पौधा है, अगर उसको एनवायरनमेंट से दूर रखिए, एक किसी डब्बे में बंद करके कोई प्लांट रख दीजिए, तो कितना देर तक रहेगा? वो मुरझा जाएगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में नहीं होता। इंसान है, इंसान को किसी कबर्ड में बंद कर दीजिए, कितने देर तक वो सर्वाइव कर पाएगा? जितने देर तक उस जगह, उस पर्टिकुलर जगह में ऑक्सीजन रहेगा, बस तब तक, उसके बाद उसके भी दम घुटेगा, वो भी मर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो,
वो डिपेंड होता है, निर्भर होता है हमारे इन्वायरमेंट पे, ताकि वो अपनी नेचुरल लाइफ, जो अपनी उसकी जीवन शैली है, ज़िंदगी है, जो वो व्यतीत कर रहा है, उसके प्रोसेस को चलाने के लिए हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू मीट देयर फिज़िकल रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ अपनी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट, हमारी जो हम इंसान हैं, जानवर हैं, चाहे प्लांट हों, इन सब की अपनी अपनी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट होती है। जैसे प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, नमी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, वातावरण, हवा और ऐसी मिट्टी जो उनको बढ़ने में हेल्प करे। साथ ही साथ जानवरों को पेड़ पौधे, हवा, पानी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हम इंसान को भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी चीज़ चाहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है वातावरण के ऊपर, ताकि वो अपनी नेचुरल लाइफ, अपनी जीवन शैली को वो चलाता रहे, उसका जो प्रोसेस है नेचुरल लाइफ का, उसको वो निरंतर चलाता रहे और अपनी जो भी फिज़िकल रिक्वायरमेंट है, उसकी जो भी फिज़िकल रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, जैसे कि फूड, खाना हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, छत हो गई, शेल्टर हो गई, इन सारी चीज़ों को भी वो क्या करता है, एनवायरमेंट पूरा कर देता है। तो बेसिकली ऑल ओवर सारी चीज़ें हमारी किस पे डिपेंड है, एनवायरमेंट पे, वातावरण पे। अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो इंसान भी नहीं रह सकता, ना जानवर रह सकते हैं, ना पेड़ पौधे रह सकते। तो एनवायरमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मान लीजिए हमारी लाइफ को जो सपोर्ट करती है, जो चलाती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा एनवायरमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन सेकेंड हेडिंग इज़ कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के पार्ट्स के बारे में ये बात कर रहा है कि हमारे एनवायरमेंट में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल क्या है, जो प्राकृतिक चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर, बायोस्फीयर, मीन्स की लैंड, वाटर और आपका एयर और आपका जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेचुरल में ये सारी चीज़ें आती हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जिनको, जिनमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है, जो प्रकृति से बना हुआ है, हमारी इन्वायरमेंट के द्वारा हमें मिला है, ठीक है। वो हमारा नेचुरल के अंदर आता है, नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में आता है। देन आता है सेकेंड इज़ ह्यूमन मेड, नाम से ही पता चल रहा है कि इंसान के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन मेड, ठीक है। तो ह्यूमन मेड द्वारा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सड़कें, घर और आपका बिल्डिंग्स, ब्रिज, मॉन्यूमेंट्स, जितने भी आपके यादगार चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ताजमहल, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है, इंसान द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो लिविंग हो ना हो, चाहे कुछ भी, ठीक है, एक छोटा सा खिलौना भी क्या है, हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। अगर वो नहीं रहता, अगर मतलब वो एनवायरमेंट में ख़राब हो जाता, तुरंत टूट के बिखर जाता, जुड़ता नहीं है, कुछ भी हो जाता, डिकम्पोज हो जाता, तो हम मानते कि हाँ वो हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। पर जो भी चीज़ें हमारी रियल लाइफ में है, जिसको हम टच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब क्या है, हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, हैं हमारी एनवायरमेंट में, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन मेड क्या है, ह्यूमन ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सी चीज़ें बनाई, रोड, घर, बिल्डिंग और फैक्ट्रीज़, साथ ही साथ जितनी भी क्या नाम है, ब्रिज है, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है। तो ये भी हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये भी हमारी, ये जो भी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है, वो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो एनवायरमेंट से उठा के फेंक दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, नहीं, वो हमारे एनवायरमेंट में भी एग्जिस्ट करती है, रहती है और हम उसका यूज़ करते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या ना हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनवायरमेंट के अंदर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे एनवायरमेंट में लिविंग, नॉन लिविंग दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देन थर्ड पॉइंट इज़ ह्यूमन, खुद ह्यूमन इंसान, अगर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आपके वातावरण के अंदर, तो आप भी तो एग्जिस्ट करते हो ना, आप भी तो हो ना एनवायरमेंट में, वातावरण के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चीज़ें हैं और हमारे जानवर और पेड़ पौधे हैं, आप भी तो हो,
आप भी तो जीवन जी रहे हो ना इसी इन्वायरमेंट में, वातावरण में, तो आप भी एक पार्ट हो गए हमारे इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो ये ओवरऑल रफली मैंने आपको बताया तीनों पॉइंट के बारे में। अब नीचे हम थोड़ा इसको डिटेल में जानेंगे। तो पहली बात यहाँ पे कह रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट की, मीन्स की प्राकृतिक वातावरण जो है उनके बारे में। तो ये कह रहा है कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, जमीन, पानी, हवा, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये क्या शामिल हैं हमारे प्राकृतिक वातावरण के अंदर, क्या है ये सब शामिल हैं, चाहे ज़मीन हो, पानी हो, हवा हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, सबके सब एग्जिस्ट करते हैं, सबके सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, आप फेमिलियर हो, आप जानते हो मीनिंग किसकी, लिथोस्फेयर की, मीन्स स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर की, और एटमॉस्फेयर वातावरण की, और बायोस्फेयर। तो देखिए जो लिथोस्फीयर आता है उसके अंदर लैंड वगैरह आता है, स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर के अंदर वाटर की चीज़ें आती हैं, एटमॉस्फेयर में एयर आता है, और बायोस्फीयर के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है जो हमारे प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं या हमारी प्रकृति में हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लिथोस्फीयर की, स्थलमंडल है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो पहला पॉइंट यहाँ कहता है कि लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल है वो हमारा एक ठोस सॉलिड क्रस्ट है, मीन्स की ठोस परत है, और ये हार्ड टॉप लेयर हमारी पृथ्वी का है, अर्थ का सबसे ऊपरी जो सतह है, सबसे कठोर सतह, ये वो चीज़ है, ठीक है। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो कठोर सतह है वो हमारी लिथोस्फीयर कहलाती है, इसको हम स्थल मंडल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, और ये किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, ये हमारे रॉक्स एंड मिनरल से मिलके बनी होती है, मीन्स जो भी हमारे पत्थर हैं, जो भी हमारी खनिजे हैं, मिनरल्स हैं, उन सब से मिलकर के ये लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और जो ये परत बनती है, जो ये क्रस्ट है हमारी अर्थ की, सबसे टॉप मोस्ट अर्थ पे जो हमारे क्रस्ट है, ये जो है एक पतली सी थिन लेयर की, सॉइल की एक पतली सी लेयर है, जिससे ये हमारी जो क्रस्ट है, जो हमारी परत है, वो ढकी हुई है, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है वो एक पतली सी लेयर सॉइल की, मिट्टी की लेयर से ढकी हुई है। देन ये सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहना चाहता है कि इट इज़ एन इररेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म। ये कह रहा है कि ये जो सरफेस है, जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, जो हमारी ऊपरी परत है, उसके बारे में बात कर रहा है कि वहाँ पे क्या है, इररेगुलर सरफेस है, मीन्स कि एक समान जगह नहीं है, उसकी जो ज़मीन है, वो जो सरफेस है, वो एक समान नहीं है, कुछ समतल है तो कुछ ऊबड़ खाबड़ है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे कई सारे लैंड फॉर्म है, मीन्स भू की जो आकृतियाँ होती हैं, ज़मीन की जो आकृतियाँ होती हैं, वो कई सारी हैं, कोई थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, कोई बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, कुछ समतल है एकदम। तो इस वजह से क्या है कि ये इररेगुलर यहाँ पे सरफेस होने के कारण कई सारे यहाँ पे लैंड के फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, पहाड़ देख लीजिए, पहाड़ कैसा होता है, कितना ऊंचा ऊंचा होता है, प्लेटू देख लीजिए, ठीक है, जो हमारी पहाड़ी मैदान होती है वो देख लीजिए, डेजर्ट देख लीजिए, रेगिस्तान देख लीजिए, वो भी क्या समतल होता है, नहीं होता है ना, प्लेन्स देख लीजिए, जो हमारा मैदान है वो देख लीजिए, और वैली, झील वगैरह, हमारी नदियाँ वगैरह, इन सबको देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये इररेगुलर सरफेस की वजह से ही अलग अलग तरीके के जो हमारे लैंड फॉर्म हैं, ज़मीन की जो हमारी शेप्स हैं, वो सब अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पे इररेगुलर सरफेस है, ठीक है, और इसीलिए हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो भू की आकृतियाँ हैं, ये सब अलग अलग हैं, चाहे वो माउंटेन की देख लीजिए, प्लेटू की देख लीजिए, डेजर्ट की देख लीजिए, प्लेन्स की देख लीजिए, चाहे वैली की देख लीजिए। तो
तो बेसिकली लिथोस्फेयर जो है पहला टॉप मोस्ट लेयर होता है हमारी अर्थ क्रस्ट का, और ये इरेगुलर शेप का होता है। इस वजह से हमारी जो अलग अलग तरीके की वेरियस लैंड फॉर्म हो गई हैं, जैसे ये सारे एग्जांपल है माउंटेन, प्लेटू, डेजर्ट वैली, प्लेन्स, ये सब। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि लिथोस्फेयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, अवर लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण अपना एक रोल प्ले करता है। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर क्या करता है, हमारे को जंगल प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, चराई के लिए, ग्रेजिंग के लिए ग्रास लैंड, घास से भरी हुई ज़मीन हमें प्रोवाइड करता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ऐसी ज़मीनें प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, साथ ही साथ इंसानों के सेटल होने के लिए भी ज़मीन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली लिथोस्फीयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में क्योंकि वो हमको चाहे खेती करनी हो, रहना हो, चाहे हमको ग्रेजिंग करना हो, हमें फॉरेस्ट चाहिए हो, इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करता है, हमें ज़मीन प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेजर ऑफ वेरियस मिनरल। ये एक तरह से ट्रेजर भी माना जाता है, खजाना माना जाता है हमारे अलग तरीके के बहुत सारे मिनरल्स, खनिज जो हैं हमारे लिथोस्फीयर से ही तो पाए जाते हैं ना, हमारी ज़मीन से ही तो पाए जाते हैं। तो हमारी ज़मीन में जो चीज़ें हैं, जो मिनरल्स दबे हुए हैं, वो सब क्या है, एक तरह से हमारे लिए ट्रेजर हैं, एक तरह से हमारे लिए खजाना ही है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है, इसलिए वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लिथोस्फीयर नहीं होगा तो आप रहोगे कहाँ, आप खेतीबाड़ी कहाँ करोगे, खाना वाना कहाँ उगाओगे, आप अपना फूड कहाँ उगाओगे, जानवर कहाँ रहेंगे, पेड़ पौधे कहाँ लगाओगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप क्या रह पाओगे, ह्यूमन सेटल नहीं हो पाएगा अगर ज़मीन नहीं रहेगी। तो मतलब एक तरह से ये हमारी पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है और हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोस्फीयर की, कि हाइड्रोस्फीयर होता क्या है। अब पहला हमारा ये बोलता है कि हाइड्रोस्फीयर इज़ ए कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड एंड अंडर एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है, एक कंबाइंड मास है। ये क्या है, एक कंबाइंड मास है पानी का, ठीक है, जो कि हमें मिलता है कहाँ पे, अंडर और अर्थ के नीचे भाग में और अबव द सरफेस, अर्थ के ऊपर भी, दोनों जगह हमको ये मिलता है हाइड्रोस्फीयर। क्योंकि हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये पानी का जो कंबाइंड मास होता है यही हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है, जो हमको अपनी पृथ्वी के नीचे भी मिलता है, ज़मीन के नीचे। आप देखिए जो कुआँ वगैरह किसी क्या होगा तो देखिए आपकी, वो आपकी ज़मीन के नीचे ही ना मिलता है, आपको पानी मिलता है और आपके ज़मीन के ऊपर भी पानी आ रहा है, आपको ऊपर सरफेस पे भी पानी मिलता है। तो बेसिकली ये हमारा एक कंबाइंड मास होता है पानी का, और जो हमें ज़मीन के अंदर भी मिलता है और ज़मीन के ऊपर भी मिलता है। दीज इंक्लूड वाटर इन लिक्विड, ये इंक्लूड करता है पानी को लिक्विड फॉर्म में एंड फ्रोजन फॉर्म में भी। क्योंकि देखिए जो ग्लेशियर्स वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं पानी का रूप है, जो जम गए हैं, ठीक है, वो भी अगर एक टाइम आएगा जब वो पिघल जाएंगे पूरे तो क्या हो जाएगा, वो भी तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो पानी जो है यहाँ पे इंक्लूड करता है लिक्विड और फ्रोजन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में, ठीक है, जमे हुए और पिघले हुए फॉर्म में। इन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के अंदर, ज़मीन के अंदर, ओशियन में, ठीक है, समुद्र में, झीलों में, लेक एंड स्ट्रीम्स, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह में अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ अर्थ सरफेस, 75% जो है हमारी अर्थ की सतह पर है, पृथ्वी की, अर्थ की सतह पर 75% पानी पाया जाता है। आई कंसिस्ट ऑफ ऑल बॉडीज ऑफ वाटर, आइस बर्ग्स एंड वाटर वेपर इन द अर्थ एटमोसफेयर। ये सब क्या है हमारी, ये सब जो पानी की ऑल बॉडीज़ हैं, जैसे आइस हो गया, बर्ग्स हो गए, ठीक है, आइस बर्ग्स हो गए, मीन्स कि जहाँ पे आप तो देखोगे कि समुद्र के बीच में छोटे छोटे आइस के परत जमी हुई होती है, तो आइस बर्ग्स हो गए, वाटर वेपर जो भाप हो गया, ये सब क्या है हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। ओशियन ऑब्टेन 97% ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर। हमारा जो समुद्र है, ओशियन है, ओशियन तो आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा है,
जिसको कोई कभी पार नहीं कर सकता। तो ओशन क्या है, 97% वाटर को उसमें है, ऑब्टेन करता है, जो कि हाइड्रोस्फीयर में होता है। वाइल्ड रिवर टेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन लैंड, जब हमारा नदियाँ जो हैं और जो अदर वाटर बॉडीज़ हैं जो ज़मीन पे हैं और जो अंडरग्राउंड हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर हैं, अंडरग्राउंड वाटर कंटेन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर। ऊपर जो है आपने देखा जैसे कि जो ऊपरी सतह पे है वो कितना है, 97% है, और 75% जो है स्ट्रीमली हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, वो बहुत स्मॉल परसेंटेज ही, टोटल वाटर का स्मॉल परसेंटेज ही हमारी ज़मीन के अंदर है, जो हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है, अब हाइड्रोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है हाइड्रोस्फीयर की। पहला पॉइंट कहता है हेल्प्स टू मेंटेन इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये हमें मदद करता है, हेल्प करता है ताकि हम अपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब ये हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, जो हमारे अभी आगे हम इस डायग्राम से आपको समझाएंगे। पहले देखते हैं पॉइंट्स क्या कहता है कि गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे जो है पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छा हो सके, इसलिए भी हाइड्रोस्फीयर की ज़रूरत होती है। प्लेज अ वाइटल रोल इन द अर्थ क्लाइमेट, ये हमारी पृथ्वी की जो क्लाइमेट होती है, जो हमारा वातावरण होता है, उसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स वाटर साइकिल होता क्या है। बेसिकली वाटर और हाइड्रोलॉजिकल ये दोनों ही एक सेम चीज़ें हैं। तो देखिए आप इस डायग्राम के अंदर अगर देखो वाटर साइकिल के बारे में यहाँ पे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ आपको वॉल्केनो देखने को मिलेगा, ठीक है, आइस स्नो वगैरह आपको देखने के मिलेंगे जो कि पहाड़ों पर हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा स्नो है, पानी जो आइस और स्नो है वो मेल्ट करता है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है स्नो मेल्ट्स रन ऑफ, मेल्ट होकर क्या होता है वो नीचे की ओर फ्लो करता है। फिर नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रीम्स फ्लो, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लो होता है, देन यहाँ पे फ्रेश एयर स्प्रिंग्स वाटर, यहाँ सारी पूरी ग्राउंड वाटर फ्लो होता है यहाँ पे नीचे से, इसके ज़मीन के अंदर का फ्लो है ये पूरा ये, और फिर ये ग्राउंड वाटर स्टोरेज, यहाँ पे पानी का स्टोर होता है। देन यहाँ पे देखिए बर्ड्स एंड वॉल्केनो, यहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह के बारे में बात करता है। देन ये देखिए यहाँ पे क्या है, इवोपरेट, यहाँ पे फ्रेश वाटर स्प्रिंग, जब सीजन चेंज होती है तो ये क्या होता है, यहाँ से इवोपरेशन हो जाता है, पानी इवोपरेट हो जाता है, उड़क जाता है वापस से। प्लांट अप टेकर्स, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, ग्रीन जो है वो पूरा ग्रीनरी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो ग्रीन है उसमें आके पानी मिलता है। प्लांट वगैरह जो हैं ये फ्लोरा फौना के बारे में यहाँ पे बता रहा है। सरफेस रन ऑफ, फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि जो सरफेस है, जो सतह है वो भाग रही है, रन ऑफ हो रही है। फिर इवो ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि किस तरीके से इवोपरेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, भाप बन जा रहा है। फिर कंडेंसेशन, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। देन फिर ये एटमॉस्फेयर में आता है। देन ये क्या हो रहा है, सप्टिमेशन, सब्लिमेशन, फॉग ड्रिप, जिसकी जैसे कहने का मतलब ये बेसिकली बता रहा है कि जब यहाँ वॉल्केनो फटता है वातावरण में, जितनी भी आइस और स्नोज होती हैं माउंटेन पे वो क्या करती हैं, पिघल जाती हैं, और उसका स्नो जो होता है वो मेल्ट होकर क्या हो जाता है, रन ऑफ नीचे की ओर भाग जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो आता है। फिर सीज़न और स्प्रिंग फ्रेश वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब फिर यहाँ से इवोपरेट हो जाती हैं। जो बचा कुचा होता है ये सब प्लांट वगैरह ले लेते हैं, प्लांट अपटेक हो जाता है। जो पानी नीचे की ओर होता है, ग्राउंड वाटर का फ्लो जो होता है वो ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है। देन ये वेंट्स एंड वॉल्केनो में आता है।
फिर ये ओशन में चला जाता है समुद्र में, फिर क्या होता है कि यहाँ से इवोपरेट हो जाता है गर्मी हीट की वजह से पा करके, ये क्या होता है इवोपरेट हो जाता है, यहाँ पे इवोप्रो ट्रांसपिरेशन होता है, फिर ये कंडेंस हो जाता है मतलब वहाँ जाके क्लाउड में जाके कंडेंस हो जाता है, मिल जाता है जो वाटर वेपर रहता है, और भाप जो मतलब एक तरह से क्लाउड जो है वो उसको स्टोर कर लेता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है, देन वापस से क्या होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, मतलब ओवरऑल ये एक साइकिल की तरह होता है, वापस से वो आता है एटमॉस्फेयर में, वापस से क्या होता है वो जम जाता है, फिर डी सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन होता है तो फॉग जितनी भी फॉग वगैरह होते हैं, धुआं होता है, धुंध होता है, फिर वो ड्रिपलिंग होती है हल्की हल्की बारिश वगैरह, तो ये सब क्या एक तरह से पूरा प्रोसेस है जो वाटर साइकिल यहाँ पे चलता है कि कैसे पहले पानी आया, कैसे पानी आया, आइस स्नो मेल्ट हुआ, पानी आया, ओवरफ्लो हुआ, फिर वो ओशन में जाके मिल गया, ओशन से फिर वापस से वो इवोपरेट हो गया, कंडेंस्ड हो गया जा करके, फिर वातावरण में मिलके फिर एटमॉस्फेयर बना, फिर वापस से वो जम गया, जम के फिर से मेल्ट हुआ, तो ये एक वाटर साइकिल है जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। उस बीच में जितना वाटर ग्राउंड वाटर में फ्लो होता है वो स्टोर हो जाता है, जितना प्लांट्स को लेना होता है, जितनी ज़रूरत होती है वो उनको मिल जाता है, तो बेसिकली यही डायग्राम आपको यही बता रहा है, इसमें ये हमारा पूरा वाटर साइकिल बता रहा है कि किस तरीके से पानी सरफेस पे आता है, फिर सरफेस से ओशन में, ओशन से कंडेंस होके अरे इवोपरेट होके फिर कंडेंस हो जाता है वातावरण में, क्लाउड्स में जा करके मिल जाता है, देन फिर वहाँ से वापस से वो ड्रिपलिंग होती है, फॉग बनता है, फिर वो गिरता है, वापस से जमता है, फिर प्रोसेस पूरा वो बता रहा है आपको डायग्राम में। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की, वातावरण की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो वातावरण है एक पतली सी लेयर है, थिन लेयर है हमारे सराउंड, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है वो एक पतली सी लेयर से कवर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? वातावरण, ठीक है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द चारों ओर जो है एक पतली सी लेयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है, जिससे हमारी अर्थ क्या है कवर्ड है पूरी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति है हमारे अर्थ पे, जिसकी वजह से कोई भी चीज़, इंसान हो, कोई भी थिंग्स हो, वो क्या है नीचे की ओर हर वक्त होती हैं। कहाँ होती हैं? नीचे की ओर। ऐसा नहीं है कि उड़ने लगती हैं। अब आप स्पेस में देखो तो कोई भी चीज़ रहेगी जाएगी तो वो फ्लो करने लगती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। उसी तरीके से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी अर्थ पे, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम कहते हैं, वो ही हमारे जो एटमॉस्फेयर होती है, वातावरण है, उसको अपने इर्द गिर्द बांध के रखी रहती हैं, होल्ड करके रखी रहती हैं, क्योंकि आकर्षित करती हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? आकर्षण करता है ना चीज़ों को नीचे की ओर, तो इसीलिए वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे एटमॉस्फेयर को क्या की है, होल्ड करके रखी है अपने इर्द गिर्द में, अराउंड में, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्टूल स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये क्या करता है? साथ साथ हमको ये एटमॉस्फेयर जो है ये हमको उस हार्मफुल रेज से, जो हमारी किरणें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, उनसे हमको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो धूप की चुभती हुई गर्मी है, जो स्कॉचिंग हीट है सन की, उससे भी बचाता है, ठीक है। देखिए नॉर्मली आप अर्थ पे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप ज़मीन से सटे हुए हो, ठीक है, तो आपके पास तक सन नहीं आ पाता। क्यों आप सन के पास तक नहीं जा सकते हो? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हीट है, अगर आप उसके करीब जाने की कोशिश करोगे तो आप जल जाओगे। तो सोचिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, आप नीचे की ओर नहीं होते, तो आप हर वक्त फ्लो करते रहते आसमान में, और फ्लो करते रहते तो कब सन के पास जाते आपको क्या पता चलता? नहीं पता चलता, और आप जल जाते। तो क्या है, ये एक तरह से हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी सन की हीट से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा जिस दिन धूप रहती है, आप देखते हो ना आपकी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, आप ब्लैक ब्लैक हो जाता है, स्किन जल जाती है, लोग ऐसा कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को भी चीर करके पूरे अर्थ पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमको वो हार्मफुल होता है।
नेक्स्ट क्या कहता है कि इट कंसिस्ट नंबर ऑफ गैसेस। अब ये क्या है, जो एटमॉस्फेयर है ये अपने में कई नंबर ऑफ गैसेस को इन्वॉल्व करता है, जैसे नाइट्रोजन है 78%, कार्बन नाइट्रोजन में देखिए ये है, देन 21% हमारा ऑक्सीजन है, एरगॉन है 0.9%, ट्रेस है हमारा 0.1%। ये हमारी गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हैं। फिर आता है ट्रेस गैसेस के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वॉल्व की है 43.49%। देन ओजोन कितना है यहाँ पर हमारा 0.010 है। देन मतलब ये पूरा हिस्सा जो है हमारा ये वाला, ये कितना है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है 93.49% है। देन यहाँ पे जो है हमारा ओजोन है जो 0.010% है। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो 0.78% है। मीथेन है इसमें 0.442% है, मीथेन 0.442% है। हीलियम है हमारा 1.299% है। नियॉन है हमारा 4.675% है। तो कहने का मतलब कि ये सब तो फिर भी पॉइंट पॉइंट में है, 4.1.0 पॉइंट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 93% है, और ऑक्सीजन का लेवल आप देख रहे हो 21% है। तो कितने सारे तरह के गैसेस को ये अपने में कंसिस्ट करती है, कौन, एनवायरनमेंट हमारी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अवर एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कंपोनेंट बट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारा वातावरण है, वो क्या करता है, कंपोज्ड करता है कई सारे पार्ट्स जो हैं, और जो स्ट्रक्चर है हमारे एटमॉस्फेयर के, वातावरण के जो स्ट्रक्चर हैं उनको अपने में कंपोज्ड करता है, मिलाता है, और ये कॉम्बिनेशन बनाता है कई सारे लेयर्स का, जैसे ऑक्सीजन का लेयर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर हो गया, नियॉन का, मीथेन का, जितने गैसेस हैं सबकी लेयर्स को ये कंसिस्ट करता है, स्ट्रक्चर बनाता है एक एटमॉस्फेयर का, वातावरण का। बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाइए तो ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, माउंटेन की जब सबसे ऊंची चढ़ाई की जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो एक लेयर बनाती है वातावरण में हमारे, और हमारे वातावरण में ये शामिल करती है कई सारे अलग अलग तरीके के पार्ट्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको वो आपस में बाइंड करके रखती है, कॉम्बिनेशन बना के रखती है, लेयर बाय लेयर। ठीक है, जैसे जैसे आप लेयर बाय लेयर ऊपर जाते रहोगे आपके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे स्पेस में ऑक्सीजन लेवल ज़ीरो है, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की यूज़ करनी पड़ती है। आपने देखा होगा जितने भी एस्ट्रोनॉइट्स होते हैं वो सब जब जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के लिए वो गैसेस का वो पूरा जो पीठ में अपने टांगे रहते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे, वो किट पहने रहते हैं। वो नॉर्मली हम जैसे आप और हम जैसे नॉर्मली हैं बिना किसी किट के, वो वैसे वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, देयर आर 5 इन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। यहाँ पे बता रहा है कि 5 स्ट्रक्चर हैं हमारे एटमोसफियर के जो डिपेंड करते हैं हमारे टेम्परेचर पे, हमारे जो भी टेम्परेचर है वहाँ की उस पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए यहाँ 5 एटमोसफियर के बारे में बताया है, लेयर ऑफ द एटमोसफियर, जो हमारे लेयर्स हैं एटमोसफियर में, पहला है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, थर्मोस्फीयर और एग्जोस्फीयर। ठीक है, देखिए तो जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है वो क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर जो होता है वो एक फर्स्ट और लोएस्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर जो है हमारे हमारा जो वातावरण है अर्थ पर, उसका पहला और लोएस्ट लेयर है हमारे वातावरण का अर्थ पर, और ये 75% टोटल मास कंटेन करता है खुद में प्लानिटरी एटमॉस्फेयर का, और 99% जो होता है ये टोटल मास होता है वाटर वेपर का और एरोसोल का। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पर मोस्ट वेदर फिनोमिना जो है यहाँ पे बनता है। ठीक है, और ये करीब 18 किलोमीटर होता है ट्रॉपिक से, एवरेज हाइट होती है अर्थ से इसकी, और ये 17 किलोमीटर मिडल लेटिट्यूड में होता है। ठीक है, इसको हम स्ट्रोब मंडल भी कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर,
दूसरा जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप संडल कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा समताप मंडल जिसको कहते हैं, सॉरी, समताप मंडल जो है ये हमारा लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, जो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाई करता है बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर अर्थ के ऊपर। ये स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर होता है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर का, ये हमारे 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, जो अर्थ से अर्थ के अबव जो ऊपर का जो एरिया होता है उससे 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है, ये रहता है ये एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर वाला, ठीक है। देन आता है हमारा तीसरा एटमॉस्फेयर मेसोस्फीयर, ठीक है। अब ये मेसोस्फीयर क्या होता है, ये तीसरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो डायरेक्टली अबव होती है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरे एटमॉस्फेयर जो हमारा अभी हम लोग ने पढ़ा स्ट्रेटोस्फीयर की, समताप मंडल की, ये तीसरी लेयर होती है वातावरण की जो डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर होती है डायरेक्टली, और डायरेक्टली बिलो द थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के नीचे होती है, ठीक है। ये हमारा होता है मध्य मंडल, ठीक है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के और समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है, जिस जो परत होती है उसको कहा जाता है मेसोस्फीयर को, ठीक है। देन आता है हमारा थर्मोस्फीयर, ठीक है, थर्मोस्फीयर होता है बाही वायुमंडल, इसको हम क्या कहते हैं, बाही वायुमंडल, और ये हमारा जो होता है थर्मोस्फीयर जो होता है वो धरती से 12 किलोमीटर ऊपर होता है, मीन्स हमारी पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर तक का जो भाग होता है जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, ये थर्मोस्फीयर के अंदर होता है, ठीक है। ये हमारा थर्मोस्फीयर वहीं पाया जाता है। तापमान के आधार पर जब हमारा नॉर्मली वातावरण जो होता है उसका चार चीज़ों में बांटा गया है, ठीक है, तो उसमें ये एक आता है हमारा थर्मोस्फीयर जो हमारी अर्थ के ऊपर होता है। देन आता है हमारा नेक्स्ट लास्ट एग्जोस्फीयर, ये हमारा लास्ट है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर जो होता है तो जो हमारा एग्जोस्फीयर होता है वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ की पृथ्वी की जो वातावरण होती है उसका लास्ट लेयर होता है अर्थ का, वो एग्जोस्फीयर होता है, जो हमारे लगभग 700 किलोमीटर ऊपर होता है सी लेवल से, पूरे मतलब समुद्र के लेवल से 10,000 किलोमीटर, और ये आउटर स्पेस, स्पेस के बाहर ये वाला वातावरण होता है एग्जोस्फीयर। तो बेसिकली ये पांचों एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एग्जोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। ये लोअर सेक्शन का होता है ट्रोटोस्फीयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, देन मेसोस्फीयर आता है, फिर थर्मोस्फीयर आता है जिसमें वेदर से रिलेटेड जो भी घटनाएँ घटती हैं वो थर्मोस्फीयर में घटती हैं। एग्जोस्फीयर जो है वो आउटर स्पेस, स्पेस के एरिया में जो एटमॉस्फेयर होता है वो एग्जोस्फीयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वहाँ पे। देन बात करते हैं बायोस्फीयर की, ठीक है। तो ये एक नैरो जोन होता है अर्थ का, पृथ्वी का सबसे पतला नैरो जोन कहलाता है, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर आपस में इंट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इस बायोस्फीयर के अंदर ही हमारे जितनी भी ज़मीन, पानी, हवा ये सब एग्जिस्ट करती हैं, और आपस में ये इंट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो सपोर्ट कर सके लाइफ को। द एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर आर द थ्री मेन सब डिविजन ऑफ द बायोस्फियर, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा स्थलमंडल है और जो हमारा हाइड्रोस्फियर है, ये तीनों जो होते हैं वो तीन मेन सब डिविजन है, ठीक है। तीन जो है हमारे भाग हैं किसके, बायोस्फियर के, मतलब बायोस्फियर के अंदर ही हमारा एटमॉस्फियर आता है, लिथोस्फियर आता है और हाइड्रोस्फियर आता है।
द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन दीज कंपोनेंट, वो एरिया जब ये आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं जिन एरिया में, साथ ही साथ ये इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पार्ट्स होते हैं जिनका हमको बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है ताकि हम बायोस्फीयर में एग्जिस्ट कर सकें, मीन्स कि उस एरिया में ये होते हैं, ठीक है, उस एरिया में ये कॉन्टैक्ट होते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं आपस में, क्योंकि उन कंपोनेंट से, क्योंकि उनकी हमको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्या क्या रहने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, पीने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों जो हैं बायोस्फीयर के अंदर होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं बायोस्फीयर में, और इन तीनों चीज़ों की हमें हवा, पानी, ज़मीन, तीनों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ, जीवित ही नहीं रह पाएंगे, तो ये यहीं पे आके इंट्रैक्ट करती हैं, कॉन्टैक्ट बनाती हैं आपस में इन पार्ट्स जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनसे, और ये हमारे बायोस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स बायोस्फीयर इज ए कैन बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, एक सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो बायोस्फीयर क्या है, इसको देखा जाता है हमारी अर्थ का एक पार्ट, क्योंकि बायोस्फीयर के बिना क्या होता है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। कंसिस्टिंग ऑफ ए ओशियन द सर्फेस ऑफ कॉन्टिनेंट टूगेदर विद द एडजेसेंट एटमोसफियर, ये अपने में शामिल करता है समुद्र को भी और जो हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी हमारे द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, उनके सर्फेस को आपस में साथ में, और साथ ही साथ एटमोसफियर को भी, वातावरण को भी एडजेसेंट करता है, उसमें साथ में शामिल रखता है, कौन, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, इकोसिस्टम को। तो आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच।